अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोनिया खान किचन। आज हम अपने चैनल पर सब्जी बना रहे हैं, बैंगन मेथी और शिमला मिर्च की सब्जी। तो चलिए हम अपनी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी रेसिपी में। बैंगन हमें चाहिए 1/2 kg। इनको मैंने छिलका उतार के बारीक काट लिया है और पानी में इनको मैंने अच्छे तरीके से भिगो दिया है ताकि इनकी जो भी कड़वाहट हो वो निकल जाए। शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है और साथ ही में जो इसमें वाइट कलर के होते हैं बीज वो मैंने उसको रिमूव कर दिया है। मिर्चें मैंने ली है 4 अदद, इनको भी काट लिया है। टमाटर मैंने लिए हैं ये 1 अदद है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। और लहसुन ये भी मैंने 1 चम्मच है, इसको भी मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। मेथी हमें चाहिए तकरीबन 5 चम्मच मैंने ली है। मेथी को तोड़ लिया है हमने और वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। मसालों में हमें चाहिए हल्दी पाउडर हमने लिया है 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत, रेड चिल्ली भी हमने 1 टीस्पून लिया है, साबुत लाल मिर्च 6 अदद, ज़ीरा हमने लिया है थोड़ा सा लिया है, ये 1/2 चम्मच से भी कम 1/4 टीस्पून ले लिया है। तो चलिए अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, 1/2 प्याली हमने ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को हम थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल में। लहसुन फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे। टमाटर ये देखिए नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें हल्दी, नमक और मिर्च डाल देंगे हम। इसको भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए मसालों का। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया भूनकर। अब हम इसमें ये 1 पाव मैंने शिमला मिर्च लिए, ये हम डाल देंगे। और साथ ही में हम बैंगन भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। बैंगन का हमने छिलका उतार लिया था, इसको अच्छे तरीके से हम चम्मच चला के मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मेथी भी डाल देंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको हल्की आंच पर 15 मिनट तक पकाऊंगी। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डलेगा, बैंगन अपना ही पानी छोड़ देंगे, उसी में ही हमारे ये तमाम सब्जियां अच्छे तरीके से गल जाएंगी। 15 मिनट के लिए इसको मैं ढक्कन लगा कर पकाऊंगी। फिर आप 15 मिनट हो चुके हैं, हम सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल गल चुकी है अच्छे तरीके से, बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें जूलियन कट की भी अदरक डाल दूँगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। साथ ही में हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे इसमें। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम की वाली आंच पर रख देंगे। उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी सब्ज़ी। लीजिए हमारी मज़ेदार सी आज की सब्ज़ी तैयार है, बैंगन मेथी और शिमला मिर्च हमने बनाया है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है सब्ज़ी। कमेंट्स में अपने ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।